भारत में भले ही अपराधियों को सिर पर बैठा लिया जाता हो, लेकिन दूसरे देशों में अभी भी अपराधियों को अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसीलिए मिक्का सिंह को बड़ा झटका दे दिया गया है और उन्हें लोगों के करोड़ों रुपए वापस करने पड़ गए हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में मिक्का सिंह का 11 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक कई कंसर्ट होने थे, जिसकी सारी टिकटें बेची जा चुकी थी और मिक्का सिंह ने ऑस्ट्रेलिया जाने की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मिक्का सिंह को अपने देश में घुसने ही नहीं दिया। इसके बाद शो के ऑर्गेनाइजर को सभी टिकटें खरीदने वालों को फंड करना पड़ा, जिसके बाद आयोजकों को बड़ा नुकसान हो गया है। मिक्का सिंह को ऑस्ट्रेलिया का वीजा दिलाने के लिए आयोजक मिलकर राजनीतिक दबाव डाल रहे थे, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद अधिकारियों और मंत्रियों ने कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिक्का सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड देखकर वहां की सरकार ने उन्हें शो करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद आयोजकों को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सभी कार्यक्रम टालने की जानकारी देनी पड़ी। लगभग सभी शो की अधिकतर टिकटें बेची जा चुकी थी और लाखों डॉलर्स आयोजन में लगाए जा चुके थे। वहीं पहले शो के कैंसिल होने के पीछे मिक्का सिंह की तबीयत खराब होने की वजह बताई गई थी, लेकिन असली वजह तो कुछ और ही निकली। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पंजाबी समुदाय में काफी उत्साह था, लेकिन मिक्का सिंह का वीजा रद्द होने की वजह से वो लोग काफी निराश हो गए। वेल, आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें, और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।